परिवार सहित करो। आज परिवार है ही नहीं, पति जॉब पे है तो पत्नी किसी दूसरी जॉब पे है, पिता और पिताजी और माताजी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे सो गए हैं, सुबह थके हुए हैं, और शाम को जब खाना खाने बैठते हैं तो पति जल्दी आके खाना खा लेता है, पत्नी से कहता है खाना रखा हुआ है, या पत्नी आके खा लेती है, कहती है गर्म कर लेना। पिताजी माता ने खाना खाया कि नहीं, खा लिया होगा, रखा था सुबह सुबह बना के रख गई थी। ये परिवार है आज का आधुनिक परिवार, ये है सैटेलाइट परिवार, कॉस्मोपोलिटन परिवार, महानगरीय परिवार। और महानगरीय परिवार कस्बी परिवार में भी इसी तरह का पैटर्न होता चला जा रहा है। हमें क्या करना है, ये भगवान को बात सुननी है। मंत्र राज उन्नीत जप ही तुम्हारा, पूजे ही तुम्हें सहित परिवार, चौथे नंबर की निवास की बात चल रही है। जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, रामचंद्र जी के तीर्थ केवल वही नहीं है चित्रकूट और अयोध्या, रामचंद्र जी के तीर्थ वो सब हैं जहां निवास की बात कही गई है। और आप उन सब के मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूपी मंत्र को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। प्रातः से शाम तक कर्मों में विविधता है जिनके, गुरु की सेवा करते हैं, सबसे बड़ी बात गुरु की सेवा। तर्पण होम करें विधि नाना, तर्पण भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, विप्र जेवाएं ब्राह्मणों को ही भोजन कराते हैं, बहुत दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जी ज्ञानी, तथा जो गुरु के हृदय में आपसे भी बड़ा मानते हैं, और सकल भाए से वही सम्मानी, सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। ये जो इतनी बड़ी बात है, उसके बाद अंत में दोहा देते हैं भगवान, सब करी माग ही एक फल, इन सब का मार्गों का एक ही फल। पांचवी भक्ति कौन सी हुई, तर्पण होम करहीं विधि नाना, विप्र जवाई देह देवपाल, अनेक प्रकार से तर्पण हवन करके ब्राह्मणों का भोजन करके जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा मानकर सम्मान करके सेवा करते हैं। चौथी चौपाई 128वें दोहे के बाद है ना, मंत्र राज ने जपे तुम्हारा, जो आपको मंत्र की पूजा करते हैं और आपके ऊपर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है। भगवान कहते हैं शबरी से, कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश है ना, नवदा भक्ति पढ़ाई थी ना आपको, उसमें बताया था शास्त्रोक्त कर्मों में कोई अश्रद्धा नहीं बताते, यज्ञ जप तर्पण दान आदि छोड़ देना नहीं चाहिए, मंत्र जप भी करना चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या करना चाहिए, गुरु की सेवा। इसमें जो पूरा संदेश निकल के आ रहा है पांचवें वाले में, वो निकल के आ रहा है सकल भाव सेव ही मन मानी, तुमते अधिक गुरु ही जिए जाने, आपसे भी ज्यादा गुरु को माने। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। गुरु से भी गोविंद को बड़ा मानना, गोविंद से भी गुरु को बड़ा मानना, और गुरु को बड़ा मान करके उसकी सेवा कर। यहां कहते हैं प्रातः से शाम तक कर्म करें, हर कर्म के अपने फल हों, पर सब कर्मों का फल क्या है, भक्ति। कर्म के पीछे यश लिप्सा नहीं हो, सब करी मांगे एक फल मांगे, यश नहीं भक्ति, यश नहीं भक्ति, बार बार एक ही चीज। अहम एक विष बीज है, और विष बीज को हम निकालिए और कई रूपों में प्रस्फुटित होगा, इसलिए आप हमें भक्ति दीजिए। कर्म हमें करना ही होगा, किस भाव से करते हैं, किस इच्छा से करते हैं, एक ही बात कि भगवान की भक्ति हमें मिले। हमें इष्ट आराध्य के अलावा कोई बड़ा नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम लोग अपने गुरु के मामले में कट्टर हो जाते हैं, हमारा गुरु उसी को मानना पड़ेगा। अपने आराध्य को सब में देखना, सबका सम्मान करना, ये भी गुरु सेवा है। अपने आराध्य को सब में देखना, गुरु ग्रंथ साहब के पास पहुंचे, सिखों के पास पहुंचे, गुरुद्वारे में पहुंचे तो वहां के सिखों के गुरु उनको भी अपना माना। हमने हर जगह कह रखा है, पूरे भारत में जहां जाओ वहां के गुरु सत्ताओं की तस्वीर लेकर गुरुदेव के साथ लगाओ, ताकि वो उन गुरु में हमारे गुरु को देख सकें। हमारे गुरु को न मान करके वो हो सकता है कि ये कह दें कि भाई हम तो इनको नहीं मानते, हम आपकी माता जी को नहीं मानते, तो क्या करें, गुरुदेव माता जी के अलावा वहां पर चित्र उनके गुरु का भी लगाइए, और उनके गुरु का चित्र लगाकर उनसे कहिए कि जो हमारा गुरु है वो आपके गुरु और हमारे गुरु एक ही स्तर के हैं। अपने आराध्य को सब में देखना, सबका सम्मान करना, वही सच्चा भक्त है। सभी पुराणों में, चाहे सूर्य पुराण हो, विष्णु पुराण हो, इस रूप में ही सब समाया।